मालेगांव पुलिस रेजिन डे हफ्ता मनाने में और इन्हीं के साथ साथ दीगर पुलिस स्टेशन में गुनाहगार लोगों पर कार्रवाई करने वाले, ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अमले की हौसला अफजाई भी की गई। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के फरियादी अफराद की अदालत के फैसले के मुताबिक शिकायत करदा को इनके मालियत की सामान और रकम कुल मुद्दे माल 22,22,256 रुपए, जिसमें मोटरसाइकिल, पिकअप, लैपटॉप, मोबाइल और कैश पैसा वापस करने जैसा काम भी इस तकरीब में किया गया। DYSP तेजवीर सिंह, इन्होंने मुख्तसरन फरियादी शिकायत करदा अफराद और अदालती फैसला, पुलिस का ताउन और इसको हासिल करने का तरीका भी इस अहम नुकात पर रहनुमाई की। और पुलिस स्टेशन के इन ईमानदार पुलिस वालों की हौसला अफजाई भी की गई, जिसमें बिलखसूस PI बाला साहब थोरात, API प्रीति साहूजी, API मनोज पवार, API प्रकाश काले, API जयेश पाटिल, API रूपाली महाजन, स्टेशन विलास सूर्यवंशी, तुषार आहिरे, भरत पाटिल, राजेंद्र आहिरे और दीगर पुलिस अमले का सम्मान किया गया और आवाम की खिदमत और तहफ्फुज फराहम करना ही पुलिस की जिम्मेदारी है। इस तरह का पैगाम भी DYSP तेजवीर सिंह ने दिया। याद रहे कि पुलिस रेजिन डे साल 2023 2 जनवरी से मनाया जा रहा है। आज इसका इख्तितामी तकरीब सुनौद हाल में मुनाकिद हुआ। इस आखिरी प्रोग्राम में हफ्ता भर से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर और स्कूलों के बच्चों के दरमियान पुलिस के फराइज और जिम्मेदारी और आवाम का तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मालूमाती और कानूनी नकात पर रहनुमाई की गई। इसी के साथ कल के रोज मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर गाड़ियों का रूट मार्च भी शहर के मुख्तलिफ अहम शहराओं पर किया गया। IG नासिक रेंज BG शेखर पाटिल सर, SP नासिक ग्रामीण शाहजी इमाम सर, एडिशनल SP नासिक ग्रामीण अनिकेत भारती सर के नेतृत्व में हमने आज ऑन दी ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे ये इवेंट रखा है, जिसका नाम है मुद्देमाल परत फंक्शन। इसमें हमने कोशिश किया है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का लास्ट प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन करना, उसको कोर्ट में साबित करना, फिरियादी को हेल्प करना कि उसको उसका मुद्देमाल जो भी कोई कीमती चीज़ गया है वो वापस रिटर्न करना, ये हमारे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर आता है। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को देख के महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे के इस वीक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फंक्शंस में इस फंक्शन को भी रखा गया है। मेरी अपने पुलिस डिपार्टमेंट में और जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में लगे हैं उन सबको हमेशा गुजारिश रहती है कि अल्टीमेटली हमारा एम है जस्टिस देना और साथ में लोगों की जो भी कोई चीज़, सामान जो उनको दुख तकलीफ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स उनको हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, ये भी हमने दीज आर थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू एज पार्ट ऑफ आर जो हमारा नॉर्मल डे टू डे रूटीन है और हमारा जॉब है। बहुत बार ऐसा होता है कि कानून के बारे में ना जानते हुए कि कैसे आपकी चीज़ आपको वापस मिल सकती है और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्योंकि अपनी नेचर में वो भी एक लॉन्ग ड्रॉन और लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो बहुत लोग अपना होप खो बैठते हैं कि भाई मेरे को मेरा सामान वापस नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ कोई भी गई है और पुलिस जिसके लिए पीछे पूरा जोर लगाती है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरा चीज़ अगर आपको वापस कर सके, हम उसके लिए ही काम करते हैं। ये नहीं सोच के चलते कि इसमें 50%, इसमें 10% का टारगेट है हमारा, ऐसा नहीं। पूरे का पूरा चीज़ जो भी आपका गया है, पुलिस फर्स्ट डे से अगर आरोपी को भी क्वेश्चन करना है तो उसको ये पूछती है, ये नहीं पूछती कि आधा सामान कहाँ है, उसको पूरा पूछेगी कि भाई तूने सामान कहाँ पर रखा, कहाँ पर क्या लगा, और उस चीज़ को सामने जाहिर करके कोर्ट में रखना और फाइनली कोर्ट ऑर्डर से आपको अपना सामान वापस मिलना। तो ये एक लीगल प्रोसेस है, ये राइट प्रोसेस है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये होप किया था कि भाई मेरा सामान चोरी, इट्स समथिंग जो कि हो जाता है जिंदगी, और एज अ पुलिस ऑफिसर
एंड मेरा पुलिस डिपार्टमेंट का वी कंसिडर, हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सामान फुल से फुल और जल्द से जल्द आपको अपना वापस लाएंगे। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये गुजारिश है, जो भी मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट में है, कि इस चीज़ को वो बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें, इग्नोर मत करें, कि जो चीज़ फरियादी की गई है हमको ही उसको बताना है कि ये प्रोसेस है। अगर हम उसको लिख के दे सकते हैं, अगर हम उसका एक नोटिस बोर्ड भी लगा सकते हैं, तो इन लोगों को बहुत हेल्प होगी ये आइडेंटिफाई करने में कि इनका प्रोसेस क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि कुछ रेवोल्यूशनाइज नहीं करेगी पुलिस डिपार्टमेंट को, बट हमारी एक इमेज, हमारी एक प्रतिमा लोगों के बीच में ये चेंज कर सकती है। तो आगे चल के भी 2023 न्यू ईयर आया है और इसमें भी हमारा ये फुल ऑन कोशिश रहेगा कि आपके आपकी चीज़ फुल वापस करी जाए, टाइम के अंदर वापस करी जाए और बेसिकली आपको कानून का ज्ञान दिया जाए कि आप लीगली अपना चीज़ कैसे वापस ले सकते हैं। हमने बहुत सारे मुद्देमाल रिटर्न करने के लिए लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनके पीछे हमारे जो भी कारकुन, अमलदार, ऑफिसर्स जो भी लगे हुए थे, उन सब ने फुल कोशिश किया कि आपके साथ कनेक्शन रख के आपको आज के दिन यहाँ पे बुलाया जाए और वापस आपको मुद्देमाल दिया जाए इन अ पब्लिक गैदरिंग, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट लोगों के बीच में जाता है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये लोगों के सामने आता है तो उनको एक हौसला बनता है कि मेरी चीज़ वापस मेरे को मिल सकती है और लीगली पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे लगा हुआ है वापस देने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू, आप शॉर्ट नोटिस पे ये फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए और इस फंक्शन को एक ग्रैंड सक्सेस बना। मैं नासिक SP शाजी मॉप सर और एडिशनल SP अनिकेत भारती सर के बिहाफ पे आप सबको हैप्पी महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे विश करता हूँ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।